हेलो एवरीवन, आज से हम लोग नॉर्सइड और स्टाफ नर्स के एग्जाम की प्रैक्टिस करेंगे इस चैनल पर। तो चलिए एमएसएन के लिम्फेटिक सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय। तो एंटीबॉडीज़ कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं? तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा सेल्स, दूसरा है बी लिम्फोसाइट, तीसरा है एरिथ्रोसाइट, चौथा है बेसोफिल। तो आगे 5 सेकेंड हैं, आप इसका आंसर सोच लीजिए। तो इसका आंसर है बी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। प्लाज्मा सेल्स कहाँ से बनती हैं? पहला ऑप्शन है टी सेल, सेकंड बी सेल, थर्ड है आरबीसी और चौथा ऑप्शन है डब्ल्यूबीसी। तो आपके पास 5 सेकेंड है, आप इसका आंसर देख लीजिए। तो इसका आंसर है बी सेल। अगला क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स लिम्फेटिक सिस्टम के हैं, इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है टॉन्सिल्स, दूसरा है थाइमस, तीसरा है स्प्लीन, चौथा है पैंक्रियास। सो इस आपके पास 5 सेकेंड है, आप इसका आंसर दीजिएगा। इसका राइट आंसर है पैंक्रियास। अगला क्वेश्चन है हाउ टू पल्पेट लिम्फ नोड। ऑप्शन है इसका ए विथ प्रेशर एंड टिप ऑफ फिंगर, ऑप्शन बी है अप्लाई प्रेशर वाइल पल्पेटिंग द लिम्फ नोड, ऑप्शन सी है पल्पेट सुपरफिशियल लिम्फ नोड विद द पैड ऑफ द फिंगर, ऑप्शन डी है यूज़ पाम ऑफ हैंड वाइल पल्पेटिंग द लिम्फ नोड। तो इसका आंसर आप बताइएगा और इसका आंसर है सी, पल्पेट सुपरफिशियल लिम्फ नोड विद द पैड ऑफ द फिंगर। अगला क्वेश्चन है व्हेन अ बी सेल इज एक्सपोज टू एन एंटीजन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब बी सेल किसी एंटीजन से पहली बार एक्सपोज होती है तो उसका क्या रिस्पॉन्स होता है? इसका ऑप्शन है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी है प्राइमरी रिस्पॉन्स टेक 1 to 3 hours टू बिकम इफेक्टिव, ऑप्शन सी है द बी सेल डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड टी हेल्पर सेल, ऑप्शन डी है बी मेमोरी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। इसका राइट आंसर आप बताइए। तो इसका राइट आंसर है द प्राइमरी रिस्पॉन्स अकर, मतलब व्हेन बी सेल जब पहली बार एक्सपोज होती है एंटीजन से तो प्राइमरी रिस्पॉन्सेज होते हैं। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट। ये स्टेटमेंट एंडोटॉक्सिन से रिलेटेड है, तो इसमें से कौन सा एंडोटॉक्सिन से रिलेटेड नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन है दे आर लाइपोपॉलीसेकेराइड इन नेचर, दूसरा ऑप्शन है दे आर रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल बाय नेचुरल लाइसिस, तीसरा ऑप्शन है दे आर हीट लायबल प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड इन द लिपिड कंपोनेंट। सो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दे आर हीट लायबल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स पैचेस आर फाउंड इन। पेयर्स पैचेस कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी है इनर लाइनिंग ऑफ इसोफेगस, ऑप्शन सी है बक्कल कैविटी, ऑप्शन डी है वॉल ऑफ द स्टमक। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए बस 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है परफोरिंस आर प्रोड्यूस्ड बाय। परफोरिंस कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन ए है नेचुरल किलर सेल, ऑप्शन बी है चीफ सेल, ऑप्शन सी है बी सेल, ऑप्शन डी है टी सेल। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेचुरल किलर सेल। अगला क्वेश्चन है अ प्रोसेस बाय विच सर्टेन सेल एंगल्फ एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स फॉरेन ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर जाती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है साइटोलाइसिस, ऑप्शन बी है फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन सी है एपोप्टोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फैगोसाइटोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फैगोसाइटोसिस इज कंसीडर्ड एज अ डैश अगेंस्ट इन्फेक्शन। इसका ऑप्शन है फर्स्ट लाइन डिफेंस, ऑप्शन बी है सेकेंड लाइन डिफेंस, ऑप्शन सी है थर्ड लाइन डिफेंस, ऑप्शन डी है फोर्थ लाइन डिफेंस। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए 5 सेकेंड है आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सेकेंड लाइन डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऑप्शन ए है टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी है बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन डी है इंटरफेरॉन। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन डी इंटरफेरॉन मीडिएट। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए 5 सेकेंड है आपके पास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सेल इम्यूनिटी इज। टी है ऑप्शन ए सेल मीडिएट इम्यूनिटी, ऑप्शन बी एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी, ऑप्शन सी नेचुरल, ऑप्शन डी इंटरफेरॉन मीडिएटेड। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सेल मीडिएटेड। अगला क्वेश्चन है ऑकरेंस ऑफ सर्टेन डिजीज़ और सब क्लिनिकल इन्फेक्शन प्रोवाइड डैश इम्यूनिटी। मतलब कौन सी इम्यूनिटी सर्टेन डिजीज़ को प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए है नेचुरल एक्टिव, ऑप्शन बी है नेचुरल पैसिव, ऑप्शन सी है एक्टिव आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी है पैसिव आर्टिफिशियल। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है वैक्सीनेशन प्रोवाइड डैश इम्यूनिटी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेचुरल एक्टिव, ऑप्शन बी नेचुरल पैसिव, ऑप्शन सी एक्टिव आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी पैसिव आर्टिफिशियल। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है एक्टिव आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आर। ट्रांसफ्यूजन एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस के टाइम पर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो इसका ऑप्शन ए है टाइप 1, ऑप्शन बी है टाइप 2, ऑप्शन सी है टाइप 3, ऑप्शन डी है टाइप 4। तो इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है टाइप 2। टाइप 2 इज अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच अकर ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अगला क्वेश्चन है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर द अक्रेंस ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो किस डिजीज़ के टाइम से, मतलब किस डिजीज़ के होने से होती है। ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज कैरिड आउट बाय। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा कैरी की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बी लिम्फोसाइट, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी मोनोसाइट्स, ऑप्शन डी CD4 सेल्स। तो इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज नोन एज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंड इज कैरिड आउट बाय टी लिम्फोसाइट। किस टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी को डिले टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं और वह टी लिम्फोसाइट के द्वारा कैरी की जा सकती है। तो इसका ऑप्शन है टाइप 1, ऑप्शन बी है टाइप 2, ऑप्शन सी है टाइप 3, ऑप्शन डी है टाइप 4। सो इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है टाइप 4। टाइप 4 इज़ अ टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी विच इज़ नोन एज डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। मतलब हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। इसका ऑप्शन बी है मास्ट सेल आर इम्पॉर्टेंट सेल इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज IgG। इसका ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी also mast cell also responsible for important cell in type 1 hypersensitivity। अगला क्वेश्चन है इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सीज। एनाफ्लेक्सीज के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट क्या होता है? ऑप्शन ए है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है बेंजिल पेनिसिलिन, ऑप्शन सी है हाइड्रोकॉर्टिसोन, ऑप्शन डी है एट्रोपिन। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए एनाफ्लेक्सिस के इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल होती है? तो आपके पास 5 सेकेंड है इसका ऑप्शन आंसर बताने के लिए। सो इसका राइट आंसर है एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप वीजिंग एंड हर स्किन बिकम फ्लश्ड विद हाइव्स, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ऑप्शन ए ह्यूमरल रिएक्शन, ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन सी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन डी थ्रोम्बोटिक रिएक्शन। तो इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एलर्जिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए हेमोरेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, इमीडिएट और डिले, ऑप्शन बी है इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है एलर्जिक रिएक्शन, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ऑल दी रिएक्शंस आर अकर ड्यूरिंग अ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है HLA एलिवेट इन डैश कंडीशन, इन विच कंडीशन HLA एलिवेट। सो इसका ऑप्शन है कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, ऑप्शन बी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, ऑप्शन सी है हेपेटिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी इन प्लानिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद अ डायग्नोसिस ऑफ इम्यून डिफिशियंसी। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट टू डिक्रीज एन एंग्जाइटी, ऑप्शन बी आइडेंटिफाइंग फैक्टर दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन, ऑप्शन सी है एनकरेजिंग डिस्कशन अबाउट लाइफ स्टाइल चेंज, ऑप्शन डी है प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रोटेक्टिंग द क्लाइंट फ्रॉम इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैन बी मैनेज विथ। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किससे मैनेज की जा सकती हैं? तो इस ऑप्शन है एड्रेनालिन, ऑप्शन बी है डोपामीन, ऑप्शन सी है IV फ्लूइड, ऑप्शन डी है कॉर्टिको स्टोरॉइड। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है कॉर्टिको स्टोरॉइड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है द एम ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी इज टू। ऑप्शन ए है स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, ऑप्शन बी है सप्रेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, ऑप्शन सी है प्रमोट फैगोसाइटोसिस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन। अगला क्वेश्चन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्रेस द फंक्शन ऑफ। ऑप्शन ए सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन सी इम्यून रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी कार्डियक सिस्टम। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इम्यून रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन है नर्सेज नीड टू सस्पेक्ट एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन फॉलोइंग द IM एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इफ द पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ। तो इसका ऑप्शन ए है एडिमा एंड इचिंग एट द जंक्शन साइट, ऑप्शन बी है इंक्रीज इन एंड्यूरेशन, ऑप्शन सी है इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी है वर्टिगो। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एडिमा एंड इचिंग एट द इंजेक्शन साइट। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमनली ड्यू टू। सेकेंडरी इम्यून डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन ड्यू टू ऑप्शन ए है ड्रग्स, ऑप्शन बी है एनजाइटी, ऑप्शन सी है मेल न्यूट्रिशन, ऑप्शन डी है इन्फेक्शन। सो इसका राइट आंसर बताने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ड्रग्स।